उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक छोटे से गैराज में, यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों के लिए लेबर कार्ड बनवाने के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, वहीं तरह तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। जहाँ पर एक तरफ मजदूर वर्ग के लोग फॉर्म खुद से नहीं भर पा रहे हैं, वहीं जो इनकी मदद कर रहे हैं उनका भी कहना है कि हर एक फॉर्म को भरने में काफ़ी वक्त लग रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने का तरीका आसान नहीं है। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम तो निकाली है, उन्हें कंपनसेशन भी मिलना है, लेकिन जो तरीका है उस फॉर्म को भरने का ऑनलाइन, ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग उसे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली में ट्रेड यूनियन के वॉलंटियर्स लोगों की मदद कर रहे हैं फॉर्म भरने में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक एक फॉर्म को भरने में घंटों का वक्त लग जा रहा है, कभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं, कभी डिटेल्स क्या भरनी है ये लोगों को पता नहीं होता। आप क्या काम करते हैं? लाइट फिटिंग का, इलेक्ट्रिशियन। तो ये जो फॉर्म आप भरवा रहे हैं, क्या आपने खुद से भरने की भी कोशिश की थी? खुद से करी थी, मगर हो नहीं पाया था। अभी तो कितनी देर से भर रहे हैं? सुबह लगभग 9 बजे से लगे पड़े। अभी तक फॉर्म नहीं? नहीं, अभी तक नहीं भर रहे। और अभी वैसे लॉकडाउन के कारण काम तो चल नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी लोग है, काम बंद पड़ा बिल्कुल, खर्चा पानी भी नहीं हो रहा, बस अभी काम चल रहा है। तो ये फिर जो लेबर कार्ड है ये बनवाना? जी लेबर कार्ड, जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आपको पता था क्या कि लेबर कार्ड भी होता है? नहीं, पहले पता नहीं था। आपने खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोशिश की थी? नहीं, ऑनलाइन तो करी नहीं कभी। पहले कभी एक बारी काफ़ी बनवाई थी, उसका पता नहीं था मुझे क्या हुआ, वो फेल हो गई, फिर अब दोबारा फार्म भरा जा रहा है। तो पिछली बार कैसे बनवाई थी? पिछली बार वो कोई संस्था वगैरह थी, अब मुझे तो उसका नाम ध्यान नहीं, 2016 में बनी थी। अच्छा। उसके बाद वो काफ़ी आई है, वो उसके बाद उससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, आज तक ऐसी रखी हुई है वो। तो अभी इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में सुना था बस, आज मोहल्ले पड़ोस में पता लगी भी इस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पर संस्था आई हुई है, वो काम करा रही है, तो इस वजह से हम भी यहाँ पर आ गए अपना फार्म भराने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि खुद से आप चाहें तो भर पाएंगे फॉर्म को, या दिक्कत होगी? नहीं, भरने को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऑनलाइन नहीं भर सकते, ये नहीं आता हम पे चलाना, ऑनलाइन नहीं भर सकते, इतने पढ़े लिखे नहीं, कम पढ़े हुए हैं। ये बताइए, दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ कंपनसेशन भी दे रही है, क्या उसके लिए आपने कोई कोशिश करी है? अभी तो कोशिश कर रहे थे, कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो ये जो ऑनलाइन अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है जी, तो क्या उसका प्रोसेस कुछ समझ में आया? नहीं, मेरे समझ नहीं आया। अच्छा, इस इलाके में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप हैं, यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले में दंगे वगैरह दंगे हुए थे? जी हाँ, जी हाँ, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थे, उस समय हालत ज़्यादा ख़राब थे जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे जी। हमें तो ये करीब हो गए 3 महीने हो गए घर में बैठे हुए, 3 महीने हो गए, बहुत दिक्कत हो रही है जी, क्या करा जाए। तो हाँ, मैंने तो खर्चा भी ऐसे चलाया है, अपने बकरी और बकरे पाल लगे तो वो बेच के घर का खर्चा चलाया है। इतनी स्थिति खराब थी, 2 बकरे थे, 1 बकरी थी, वो बेच के अब खर्चा चला, अब बिल्कुल एंड हो गया पैसे का, इसलिए खानी खराब हो रही है। जहाँ पर इन लोगों ने दिल्ली सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, वहीं पे दूसरी तरफ समस्या ये है कि क्या वक्त रहते सभी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 25 मई आखिरी तारीख है इस लेबर कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस तरह से वक्त लग रहा है एक एक फॉर्म को भरने में, ऐसे में इनका सवाल है कि क्या सभी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।